नमस्कार दोस्तों, आज का स्वागत है आप सॉरी आपका स्वागत है आज के इस आलसी से। ठीक है भाई, नींद आ रही, कल बनाएंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जीजी माउस प्रो के यहाँ पे की मैपिंग के बारे में, कैसे की मैपिंग करना है। तो चलो ब्रो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग की मैपिंग करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग जीजी माउस प्रो में आ जाएंगे यहाँ पे। तो जीजी माउस प्रो में आने के बाद आप लोग को सिंपली करना है यहाँ पे लॉन्च पर, एक बार सिंपली लॉन्च पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये छोटा वाला आइकन आ चुका है, यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। अब सिंपली हम लोग आज बात करने वाला है सिर्फ की मैपिंग के बारे में, बाकी कोई भी चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। ओके ब्रदर, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम लोग गेम में पहले जाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे की मैपिंग करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग गेम में आ चुके हैं। अब सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे करना है सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद कंट्रोल के बाद यहाँ पे कस्टम एचयूडी में आने के बाद यहाँ पे जीजी माउस प्रो के ऐप का आइकन दिख रहा होगा, सिंपली एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ एडिटर के लेफ्ट साइड में यहाँ पे कॉन्फिग लिखा हुआ है, तो सिंपली हम लोग एक बार कॉन्फिग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितने सारे मेरे की मैपिंग है, ओके, तो आप लोगों को सिंपली की मैपिंग करना है तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली एक बार क्रिएट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोगों को कोई की ले लेना है, तो आप लोग ऐड पकड़ो या इस पर दबाए रखो तो बात उतना ही। तो मैं एक बार आप लोगों को दोनों मेथड बता देता हूँ कैसे क्या करना है। सिंपली एक बार की ले लीजिए, यहाँ पे की आ चुका है, और हमको जहाँ रखना है वहाँ रखते हैं। मैं यहाँ पे रन वाले पर रखता हूँ। उसके बाद हमको जो बटन आप लोग यूज करना चाहते हो वो कर सकते हो, तो हम यूज करने वाले हैं एक, तो हम एक यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर सिंपली एक बार क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर दबाए रहे, एक यहाँ पर क्लिक हो चुका है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को सिंपली इस पर दो बार टाइप करना होगा, यही की मैपिंग पर यहाँ पे दो बार टाइप करना होगा। तो यहाँ पे दो बार टाइप किए, उसके बाद हम लोगों को ऊपर में आ रहा है टच। टच पे आने के बाद यहाँ पे टाइप जो यहाँ दिख रहा है प्रेस के बगल में, टाइप्स के बगल में प्रेस, प्रेस के बगल में टैप, तो सिंपली एक बार हमें टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पर हम लोगों को सिंपली डन कर देना है, तो यहाँ पर डन हो चुका है। तो उसके बाद हम लोगों को करना है जंप वाले पर, तो जंप वाले पर सिंपली एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग को स्पेस दबा देना है, तो यहाँ पे स्पेस दबा दिए। उसके बाद हम लोग को दो बार क्लिक करके फिर से वही बात, फिर से वहीं पे टैप करना है, उसके बाद फिर से हम लोग को डन कर देना है। चलिए डन कर दिए। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे ग्लोबल वाले पर करना है, सिंपली एक बार ग्लोबल वाले पर करेंगे। ग्लोबल का जो बटन यूज करना है वो कर सकते हो ब्रो, मैं ये करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टच में फिर से वही बात करना है ब्रो। चलो यहाँ पे ये करना है, मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद कर सकते हो। उसके बाद फायर वाले पे क्लिक करना है, तो फायर वाले के बटन क्लिक कर दिए। उसके बाद हम लोग को दो बार टाइप करके टच वाले पे जाना है, और इसको प्रेस का प्रेस ही रहने देना है, कुछ नहीं करना है, डन कर देना डायरेक्ट। उसके बाद यहाँ आ रहा है जॉयस्टिक, तो जॉयस्टिक में तो WASD लगता है, तो यहाँ पर जॉयस्टिक में WASD आ गया, और इसको हम लोग छोटा सा करके जहाँ पे है वहीं पर रख देते, ओके, तो जहाँ पे है वहीं पे हम लोग रख देते, तो हम लोग यहाँ पे रख दिए इसको। उसके बाद हम लोगों को जल्दी जल्दी हम लोग अपना की मैपिंग कर लेते। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे सेव के ऑप्शन पर कर देंगे। सारे चीज करने के बाद यहाँ पे सेव पे सिंपली एक बार क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम लोग का हो चुका है, यहाँ पे सेविंग पेज आ रहा है, और यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो देखते हैं, ग्रीन हो जाएगा तो ये अपना की मैपिंग सेव हो जाएगा। चलो ब्रो, यहाँ पे सेव हो चुका है, तो चलिए हम लोग लॉबी में चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अब लॉबी में, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पे ट्रेनिंग में गेम प्ले करके दिखाते हैं। चलिए तो दोस्तों, हमने सब कुछ माइक्रो वगैरह सब कुछ लगा लिया है, तो सबसे पहले तो हम लोग गन लेंगे। काफ़ी आप लोग को पूरा नहीं दिखाया ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एक UMP, यहाँ पे ले लेते हैं एक UMP। उसके बाद यहाँ पे लेंगे एक शॉटगन,
शॉटगन लेने के बाद यहाँ पे लेंगे एक डेजर्ट एगल। ओके ब्रदर, तो यहाँ पे लेंगे एक डेजर्ट एगल। तो चलिए इतना सब कुछ हो चुका है, अब हम लोग गेम प्ले करके दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे लेंगे डेजर्ट, ये भाई, ये शॉटगन। तो यहाँ पे जॉयस्टिक वगैरह थोड़ा सा भी नहीं लग कर रहा है। चलो ब्रो, हेड भी लग रहा है ब्रो, बट आप लोगों को बेस्ट मैक्रो लेना है ब्रो तो वो ले सकते हो ब्रो। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्रो यहाँ पे हेड भी लग रहा है। अरे भाई यहाँ पे हेड भी लग रहा है ब्रो, ओनली रेड भी मार सकते हो इसमें, कस्टम में इजीली 1v4 कर सकते हो ब्रो, बट प्रैक्टिस की जरूरत है ब्रो। चलो ब्रो यहाँ देख ही सकते हैं आप लोग कितना लाल लाल लग रहा है ब्रो, तो आप लोग इजीली कस्टम में कर सकते हो 1v4, इसमें कोई शक की बात नहीं है ब्रो। तो चलिए इतना आप लोग को बता दिए। तो चलिए दोस्तों इतना तो सब कुछ कर ही लिए हैं, उसके बाद अब हम लोग करते हैं अंदर जा कर के दूसरा गन लेते हैं। तो ब्रो मैंने 2 UMP ले लिया, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे अंदर फाइट करने ब्रो। यहाँ पे थोड़ा देख लेते ब्रो, काफ़ी अच्छी चल रही ब्रो, थोड़ा सा भी जॉयस्टिक नहीं अटक रही ब्रो, तो आप लोग कहो तो वीडियो में डाल दो। अरे भाई क्या हेड लगा खतरनाक वाला। उसके बाद ब्रो यहाँ पे ये भी लग रहा है ब्रो, कितना खतरनाक तरीके से हेड लग रहा है, बढ़िया। अरे बढ़िया ब्रो, आप लोग कहना तो ब्रो मैं अपना सेंसी भी रिवील कर दूंगा ब्रो। तो चलिए यहाँ पे यहाँ तक आप लोग देख लिए, तो उसके बाद हम लोग करते हैं यहाँ से गेम को बैक। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से की मैपिंग देख ही लिए कैसे क्या करना है, और गेम प्ले भी देख लिए है किस प्रकार का है, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा फास्ट ग्लोबल वाली वीडियो बनाओ या फास्ट इमोट या ग्लोबल मैक्रो, तो कोई भी बताना ब्रो मैं बना दूंगा वीडियो। ओके मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।